कटिहार में एक बार फिर पुलिस टीम पर हमला हुआ है, जिसमें पुलिस अवर निरीक्षक दशरथ कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। हुआ यूं कि कटिहार पुलिस को सूचना मिली थी कि सेमापुर ओपी थाना क्षेत्र में बड़ी मात्रा में शराब की तस्करी हो रही है। इस सूचना के आधार पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो शराब तस्करों एवं स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर पुलिस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे पुलिस अवर निरीक्षक दशरथ कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं अन्य पुलिसकर्मी अपनी जान बचाकर मौके से भाग गए। इस हमले के दौरान शराब तस्करों एवं ग्रामीणों ने पुलिस की राइफल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इधर घायल पुलिस अवर निरीक्षक दशरथ कुमार सिंह का कटिहार सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। जैसे ही इस घटना की सूचना कटिहार पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा को मिली, वैभव शर्मा भी कार्रवाई में जुट गए। कटिहार में एक बार फिर से पुलिस टीम पर हमला हुआ है। जी हाँ, शराब तस्करी की सूचना पर पहुंची पुलिस पर शराब तस्करों ने हथियार से हमला बोला है। क्या हुआ था वहाँ पे? दबिया चला दिया। कितना लोग था? क्या नाम है घायल जो इनका? क्या नाम? हम लोग तो दूर के। अच्छा, जो घायल है उनका क्या नाम? जो घायल उनका क्या नाम? दशरथ। क्या पुलिस निरीक्षक हैं? घटना कटिहार के सेमापुर ओपी थाना क्षेत्र की है। सेमापुर ओपी थाना क्षेत्र के सुखासन पंचायत में शराब तस्करी की सूचना पर ओपी पुलिस दल बल के साथ पहुंची थी, जहां पर शराब तस्करों ने धारदार हथियार से हमला बोला, जिसमें पुलिस अवर निरीक्षक दशरथ कुमार गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं जान बचाने के लिए राइफल का सहारा लेना पड़ा पुलिस को, और राइफल को भी हथियार तस्करों ने, शराब तस्करों ने हथियार के बल पर जो है उसे क्षतिग्रस्त कर दिया है। और वहीं पुलिस के अन्य जो है कर्मी हैं, उन्हें जान बचाकर जो है भागनी पड़ी है। स्थिति की नज़ाकत को देखते हुए पुलिसकर्मी घटनास्थल से बैरंग वापस लौटे हैं, और जिसमें दशरथ कुमार को गंभीर चोटें आई है, काफ़ी घायल हुआ है, धारदार हथियार से उन पर हमला किया गया है। इस वक्त हम सदर अस्पताल परिसर में हैं, जहाँ पर जो है पुलिस अवर निरीक्षक दशरथ कुमार का जो है इलाज चल रहा है, उन्हें गंभीर चोटें आई है। निश्चित रूप से दो दिन पूर्व भी सहायक थाना क्षेत्र के गौशाला में भी शराब तस्करी की सूचना पर पहुंची पुलिस, और 112 की पुलिस को जो है शराब तस्करों के आक्रोश का सामना करना पड़ा था। वहां भी जो है शराब तस्करों ने 112 जो है जो पुलिस पहुंची थी टीम पर हमला किया था, जिसमें बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि लगातार जो दुर्गा पूजा को लेकर के त्योहारी सीजन है, और इसको लेकर के जो है तस्कर शराब खपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है उन्हें पकड़ने के लिए, तो जो है तस्कर उस पर हमला लगातार कर रही है। इस तरह के जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं, ज़रूरत है पुलिस प्रशासन को इस ओर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की। रवि झा, KBC न्यूज, कटिहार। हम नहीं थे, गाड़ी लेके थे ड्राइवर, हम नहीं। आप साथ में नहीं थे? आपको जानकारी उठा के लाए। आपको क्या नाम करिए? तो आपको क्या कुछ नहीं, वहाँ हल्ला गुल्ला हुआ। कहाँ पर? कहाँ पर? तो यही सुखासन के पास। आज क्या हल्ला चिल्ला हुआ? यही सब की बुलाई से उसे देखते हैं कि सब के हाथ से खून चू रहा था। अच्छा, हम उठा के क्या चीज़ करने गए थे? ये नहीं पता हमको। नहीं पता क्या नाम? क्या आप क्या हैं? हम वहीं ग्रामीण हैं, वहीं के। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। किस जगह हुआ? सुखासन में। हाँ, सुखासन में प्यार हुआ था कल 9/10/24 को, उसमें घटना स्थल पर आज गए थे, उसी पर वार कर दिया, दबिया से चला दिया। किसके द्वारा वार किया? वो अभियुक्त के पति। क्या नाम था? चंदर मुर्मू। कहाँ घटना स्थल? पूरी टोला सुखासन। सेमापुर। कितने लोग, कितने लोगों के द्वारा आपसे हमला किया गया? वहाँ दिशाई का अचानक हमला। कितने लोग होंगे? भीड़ की संख्या कितने होगी? भीड़ नहीं थी, कुछ ही लोग। हाँ, कुछ ही लोग था। कितने पुलिसकर्मी को चोटिल हुआ?